बिसमिल्ल अस्सलाम अलकम व्यूवर्स आज का हमारा टॉपिक है पेन दर्द ये दर्द क्या है ये जो दर्द जिसम के किसी भी हिस्से में होती है ये दर्द क्या है और इसमें हम कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सबका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो पे जो मैंने जलन पे बनाई थी जो मेदे की जलन सीने की जलन पे बनाई थी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया पूरी दुनिया में मेरे क्लास फेलोज़ हैं ओवरसीज़ हैं और मेरे ओवरसीज़ भाइयों ने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जिन जिन ने मुझे अप्रिशिएट किया मैं उनका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ तो जब आप मुझे अप्रीशियट करते हैं तो मुझे फिर ज़्यादा प्रोटेंशन मिलता है मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ तो अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ ये दर्द क्या है ये जो आपको पेन महसूस होती है ये क्या है ये कैसे महसूस होती है इसकी मिसाल कुछ इस तरह ले लेते हैं कि आपके घर में वायरिंग होती है जो एक मेन पॉइंट के साथ कनेक्ट होती है जिसको आप कह लें कि घर में आपने वो जो बॉक्स बनाया होता है अलमुनीय का उस सारी तारें घर की उस बॉक्स के अंदर जमा होती हैं जिसे हम मेन स्विच कहते हैं इसी तरह ही हमारे पूरे जिसम में नर्व एंडिंग्स होती हैं ये नर्व एंडिंग्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज लेके जाती हैं जिस तरह वो जो घर की तारें वो जो मेन स्विच से जो पैगाम लेके ट्यूब ट्यूबलाइट तक जाती हैं या बल्ब तक जाती हैं इसी तरह ही ये सारी नर्व एंडिंग्स हमारी बॉडी में दिमाग मैसेज uh, जो है वो दिमाग तक लेके जाती हैं अब इसमें होता क्या है कि जब नर्व एंडिंग्स आपको जब दर्द होती है तो नर्व एंडिंग्स दिमाग को मैसेज देती है इसके नतीजे में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है जब प्रोस्टाग्लैंडिन बॉडी से रिलीज होता है तो फिर आप दर्द महसूस करते हैं वो दर्द जो आपके जिसम के किसी भी हिस्से में होती है वो फिर आप दर्द महसूस करते हैं अब इस दर्द में आप ओवर द काउंटर मेडिसन्स कौन सी ओवर द काउंटर काउंटर मेडिसन ले सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये ओवर द काउंटर मेडिसन क्या हैं ओवर द काउंटर मेडिसन्स वो मेडिसन होती हैं जिसके लिए आपको फिजिशन की प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती यानी कि वसफा अरेबिक में प्रस्क्रिप्शन को वसफ़ा कहते हैं जिसमें आपको फिजिशन की प्रस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड नहीं होती वो मेडिसन्स आप ख़ुद फॉमेसी पर जाके ले सकते हैं अब इसमें फर्स्ट लाइन ऑफ़ मेडिसन्स कौन सी हैं ये जो दर्द की गोलियां हैं इसमें आप फर्स्ट लाइन ऑफ़ ट्रीटमेंट फ़र्स्ट लाइन ऑफ़ मेडिसन सबसे पहली मेडिसन्स आप कौन सी ले सकते हैं वो है पैरासीटामोल जिसका केमिकल नेम है असीटामिनोफिन ये पैरासीटामोलोल जिसे हम पेनाडोल भी कहते हैं इसे फिफाडोल भी कहते हैं इसे पैरासीटामोल भी कहते हैं इसे टाइलिनोल भी कहते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों में इसके मुख्तलिफ नाम हैं ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी दर्द की गोली है पैरासीटामोल ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फ़र्स्ट लाइन ऑफ मेडिसन है दर्द में ये हम एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है उसके बाद एनर्जेसिक है और एंटी पायरेटिक है यानी कि ये मेडिसन आप जब आपको बहुत ज़्यादा बुखार हो आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके सर में दर्द है आप उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके मसल में किसी भी जगह पे आपकी बॉडी के मसल में दर्द है तो आप इसमें भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बहुत पुराना जोड़ों का दर्द है अगर आपको अर्थ्रियाटस है यानी कि जोड़ों का बहुत पुराना दर्द है क्रॉनिक पेन है अगर आपको जोड़ों की तो आप उसमें भी ये मेडिसन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको बैकैक है आपकी कमर में दर्द है तो आप फिर भी ये मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके दांतों में दर्द है आप अपने दांतों में ठंडा गर्म महसूस करते हैं और आपके दांतों में दर्द है तो आप फिर भी पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं अब बात करते हैं पैरासीटामोल की डोज़ क्या है पैरासीटामोल की मैक्सिमम डोज़ जो है वो चार ग्राम पर डे है यानी कि आप 400 4000 मिलीग्राम एक दिन में आप पैरासीटामोल इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ का इसका ये मतलब नहीं ये 500 मिलीग्राम की एक गोली है अब इसका ये मतलब नहीं कि ये आठ गोलियाँ बनती हैं आप एक दफ़ा ही आठ की याद खा जाएं तो मेरे भाई ये बहुत गलत है पैरासीटामोल का लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं तो ये सरासर गलत है मैं आपको बताता हूँ अभी कुछ ये लॉकडाउन में लॉकडाउन से कुछ अर्सा पहले एक कोई पंद्रह साल बच्चे की उम्र होगी वो लड़का आया है फॉर्मेसी पे उस बंदे को पेन थी सर में दर्द थी उसका वज़न लगभग चालीस से पैंतालीस किलो होगा उसने क्या किया उसने पेनाडोल परचेज़ की है फॉर्मेसी से उसने मेरे सामने पानी के साथ दो गोलियां खा ली हैं तो मेरे भाई यार ये गलत है आप सेल्फ़ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करें आप अगर ये ओवर द काउंटर मेडिसन्स आप ख़रीदते हैं तो आप फार्मेसी के अंदर जो डॉक्टर होता है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी आप उसके साथ अपनी उम्र और अपने वज़न को बता के आप अपनी एग्जैक्ट डोज उससे ले सकते हैं वो फिर आपको बता सकता है कि इसकी आपकी इस दवाई की आपकी ये मैक्सिमम डोज़ है ये आप इतनी ले सकते हैं अब मैं समझता हूँ कि वो जो भाई ने वो जो बच्चे ने दो गोलियाँ खाई थी जिसकी उम्र आलमोस्ट पंद्रह साल थी और उसका वजन चालीस पैंतालीस किलो था अगर वो एक गोली भी खाता तो वो उससे ठीक हो जाता तो लिहाज़ा मैक्सिमम डोज़ का ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो मैक्सिमम डोज़ ही लेना शुरू कर दें तो ये डोज़ उम्र और वज़न के हिसाब से वेरी करती है जब भी आप मेडिसन फार्मेसी से परचेज़ करें या घर में मेडिसन कोई पड़ी है आप वो खाएं तो आप मेडिसिन को खाने से पहले उसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें क्योंकि ये कोई बंटी नहीं है ये कोई टॉफ़ी नहीं है ये दवाई है ये मेडिसिन है ये आपके लिए जानलेवा भी हो सकती है अब आप इसकी टैबलेट को हर छः घंटे के बाद ले सकते हैं इस ये जो गोली है ये जो टैबलेट है पैरासीटामोल की ये तीस मिनट से ले कर पाँच घंटे तक अपना असर शो करती है यानी कि तीस मिनट में ये अपना काम करना स्टार्ट कर देती है और इसका असर मैक्सिमम पाँच घंटे तक रहता है इसी वजह से ये पैरासीटामोल हर छः घंटे के बाद प्रिस्क्राइब की जाती है ये जो पैरासीटामोल थी ये थी हमारे पास आ, 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 दर्द की फर्स्ट लाइन ऑफ अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारे पास एनसिड्स कौन सी ओवर द काउंटर एनसिड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये जो पैरासीटामोल है ये एनसिड्स नहीं है हमारे पास एनसिड्स नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग जो आप ओवर द काउंटर दर्द में इस्तेमाल करने के लिए ले सकते हैं वो कौन सी है वो है आईबोब्रोफिन ब्रूफिन के नाम से आती है बहुत मशहूर है उसके बाद है हमारे पास किटोप्रोफिन ये ब्रोफिन से एडवांस क्लास है थोड़ी ऊपर क्लास है उसके बाद हमारे पास आती है नेप्रोक्सिन ये कीटोप्रोफिन से भी ज़्यादा एडवांस क्लास है तो अब जो एबोब्रोफिन है इसकी जो मैक्सिमम डोज है ओवर दी काउंटर वो है 1200 मिलीग्राम अब मैंने लोगों को देखा है कि वो ब्रोफिन का भी बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं वो चार चार दफ़ा पाँच पाँच दफ़ा दिन में ब्रोफिन खाते हैं 600 मिलीग्राम वाली गोली तो ये बिल्कुल मेरे भाई आप सरासर गलत करते हैं आप लो डोसेज स्टार्ट करें आप अपने जो डॉक्टर होता है आपका जो फैमिली फिजिशन है जो फार्मेसी के अंदर डॉक्टर होता है आप उसके साथ कोई भी मेडिसन लेने से पहले डिस्कस करें आप उसको अपना वज़न बताएं, आप उसको अपनी उम्र बताएं और उससे पूछें कि डॉक्टर साहब मेरी क्या डोज़ मैक्सिमम है मेरी कितनी डोज़ है मैं कितनी मेडिसिन ले सकता हूं जो जितनी भी किस्म की पेन किलर है ये सारी कोशिश करें कि आप खाने के बाद खाएं अब हम बात कर रहे थे आइबो की आइबोब्रोफिन में दो डोज़ आती हैं एक चार मिलीग्राम और एक छः मिलीग्राम इसकी जो प्रिस्क्रिप्शन मैक्सिमम डोज़ है वो है बत्तीस मिलीग्राम बत्तीस मिलीग्राम प्रिस्क्रिप्शन इसकी मैक्सिमम डोज है और जो इसकी ओवर द काउंटर मैक्सिमम डोज है वो है 1200 मिलीग्राम तो ये भी वेट और एज के अकॉर्डिंग वेरी करती है आइबोब्रोफिन के बाद जिन लोगों को आइबोब्रोफिन से आराम नहीं आता वो आइबोब्रोफिन से एडवांस क्लास इस्तेमाल कर सकते हैं वो है किटोप्रोफिन किटोप्रोफिन की जो मैक्सिमम डोज़ है वो है 300 मिलीग्राम इसमें हमारे पास 25 मिलीग्राम आती है इसमें हमारे पास 50 मिलीग्राम आती है इसमें हमारे पास 75 मिलीग्राम की डोज आती है इसमें हमारे पास 100 मिलीग्राम की डोज़ आती है और इसमें हमारे पास डेढ़ सौ मिली की डोज़ आती हैं ये भी आपकी उम्र और आपके वज़न के हिसाब से इसकी डोज़ वेरी करेगी तो लिहाजा अगर आपने ये मेडिसिन इस्तेमाल करनी है तो अपनी वज़न और अपनी उम्र जो फार्मेसी के अंदर डॉक्टर होता है उसे बता के आप इस्तेमाल कर सकते हैं अब जिन लोगों को केटोप्रोफिन से आराम नहीं आएगा वो फिर नेप्रोक्सिन सोडियम इस्तेमाल कर सकते हैं नेप्रोक्सिन जो है ये कीटोप्रोफिन से भी ज़्यादा एडवांस क्लास है नेपरॉक्सिन का फ़ायदा क्या है ये इमीडिएट रिलीज ड्रग है इसमें हमारे पास दो डोजेज आती हैं एक 250 मिलीग्राम और दूसरी 500 मिलीग्राम। जो इसकी मैक्सिमम डोज़ जो है वो हमारे पास है 1100 मिलीग्राम पर डे यानी कि एक दिन में आप मैक्सिमम नेप्रोक्सिन 1100 मिलीग्राम इस्तेमाल कर सकते हैं ये आप दिन में दो दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के बाद इस्तेमाल करें लेकिन ये भी उम्र और वजन के हिसाब से वेरी करती है इसमें यानी कि जो अडल्ट हैं उनकी डोज अलग होगी जो बूढ़े हैं जो ओल्ड हैं उनकी डोज अलहदा होगी इसी तरह ही जितनी भी मेडिसन हैं, जिस तरह पैरासीटामोल है ये बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं हर उम्र में ये डोज़ वेरी करती है यानी कि मुख्तलिफ इसकी मुख्तलिफ मिलीग्राम हर उम्र में ये दी जाती हैं तो लिहाजा कोई भी मेडिसन इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी से या अपने फैमिली फिजिशन से ज़रूर डिस्कस करें तो व्यूवर्स ये थी आज का ये था हमारा आज का टॉपिक दर्द क्या है और हम इसमें कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं तो इन व्यूवर्स मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह ही मुझे आपकी अप्रिशिएशन चाहिए मैं आपका बहुत ज़्यादा मशहूर हूँ मिलते हैं अगली वीडियो में हाफिज़